चलिए देखिए, एवरेज एवरेज की समरी की बात हम करते हैं ना। एवरेज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है कहानी, पूरा आपके सामने रखता हूँ समराइज करके एवरेज टॉपिक को, है ना। हाँ, एवरेज में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा टाइप टू से, है ना। एवरेज टाइप टू देखिए, टाइप टू एवरेज टॉपिक की समरी, है ना। अच्छा, टाइप टू में कैसे क्वेश्चन है, जैसे ऑलरेडी कोई टीम है 1 2 3 एन लोगों की टीम है, उसका एवरेज है एक्स। जैसे ही कोई नया मेंबर आता है तो सिस्टम का औसत बदल जाता है, सिस्टम का औसत एक्स से एक्स प्लस वन या फिर एक्स प्लस टू या फिर औसत कुछ कम ज़्यादा होता है कि नहीं होता है। किसी समूह में कुछ नए लोग एंट्री मारते हैं तो सिस्टम का औसत जो भी है पहले से, जैसे एक्स है तो इसके साथ ये मिलने के बाद नया औसत पूरी टीम का 1 रुपया 2 रुपया बढ़ जाएगा या फिर 1-2 घट जाएगा, औसत में चेंज आ जाता है इस प्रकार से ना। इस टाइप के क्वेश्चन है टाइप टू में, क्लियर। और इसका एक फॉर्मूला होता है कि भैया प्रीवियस एवरेज इंटू आने वाले लोगों की संख्या प्लस चेंज इन एवरेज इंटू फाइनल नंबर ऑफ मेंबर्स और आने वालों का टोटल, है ना। इस प्रकार से एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना, और आने वालों का टोटल, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा इसको इधर पे लिख लेता हूँ। चलिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पुराना औसत, नए लोग आने वालों की संख्या प्लस चेंज इन एवरेज इंटू फाइनल नंबर ऑफ मेंबर्स बराबर आने वालों का टोटल। आने वालों का टोटल, है ना। इस प्रकार से बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ टाइप 2 का, जिससे हम थोड़ा सा देखेंगे क्या है कहानी एग्जैक्टली, है ना। तो लेते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1, समझना है ना आपके दिमाग में, फिर से मैं पिक्चर रिक्रिएट करूंगा पूरे टॉपिक की। एक में यह 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 है, कितने व्यक्ति है 15, 1 2 3 अप टू 15, 15 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है 35 वर्ष, है ना, ठीक है। अब 5 नए लोग आ गए, 1 2 3 4 5, ये 5 नए लोग आ गए, है ना। किसी समूह में कुछ नए लोग आए हैं, आएंगे, यही है ये टाइप, है ना। 5 इनके आने से तो प्रीवियस एवरेज कितना है आपका 35, प्रीवियस एवरेज कितना है आपका 35, पुराने लोगों का जो औसत है वो कितना है 35। कितने लोग नए आए, 5 नए आए क्या, आने वाले लोगों की संख्या 5 नए, इनके आने से औसत में क्या चेंज आया, औसत आपका 1.5 घट गया, औसत आपका 1.5 घट गया, है ना, 1.5 घट गया, यानी कि नया औसत 35 माइनस 1.5 आएगा, औसत आपका 1.5 घट गया, यानी कि इसके साथ जब ये मिलेगा तो नई टीम का पूरा नया, इसका औसत नहीं, नया औसत जो बनेगा वो 1.5 घट गया, यानी कि औसत में माइनस 1.5 का चेंज आया कि नहीं आया, बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में, औसत का चेंज माइनस 1.5 और फाइनल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल लोग 15 और 5 20 हो गए कि नहीं हो गए बताइए, तो फाइनल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए 20। इस प्रकार आपके आने वाले का टोटल आएगा, आई बात समझ में, आने वाले का टोटल, है ना, ठीक है, आने वाले का टोटल। चलिए तो कर लेते इसको सॉल्व, है ना, ठीक है। अच्छा क्या निकालना है, 5 लोगों का औसत, इससे इससे ये क्या देता है आपको, जो नए लोग 5 आए उनका टोटल योग देगा, ये रिजल्ट है ना आने वाले का टोटल, क्लियर। तो 35 पंजे कितना होता है, ये 175 माइनस 30 प्लस माइनस माइनस 175 माइनस 30, तो बताइए कितना आएगा, ये 145 आएगा आने वाले का टोटल, 145 ये आने वाले का टोटल है। आने वाले कितने लोग हैं, 5 लोग होंगे तो आने वाले 5 का टोटल, 10 लोग आएंगे तो आने वाले 10 का टोटल, कितने लोग आए इसमें 5 लोग आए, कितने लोग आए 5 लोग, है ना। अब हमें निकालना है औसत, आने वालों का औसत निकालना है हमें, तो भैया 145 जो आए 5 लोग उनका टोटल 145 से बाई 5 करेंगे तो बताइए औसत 29 आएगा क्या, है ना। आने वालों का टोटल 145 बाई 5 करेंगे तो औसत 29 आएगा। अब मैं बताऊँ इसको आपको कैसे करना चाहिए, सुनिए मेरी बात, है ना। सीधे सवाल लिख दिया, 35 औसत था, 5 लोग ने, इनके आने से औसत में क्या चेंज आया, 1.5 घट गया, और इस प्रकार टोटल फाइनल लोग कितने हो गए 20। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए सीधे आप क्या करो, अच्छा इसको ही आप इकट्ठा करके 145 बनाए हो, इसी को इकट्ठा करके 145 बनाया, बाई 5 किया,
तो इसको क्यों इकट्ठा करने की मेहनत करो? जब इसको इकट्ठा करोगे जोड़ जाड़ के 145 लाओगे तो इसमें आपका टाइम लग रहा है ना, मत करो। इस खुले हुए को ही 5 से भाग दे दो। इस खुले हुए में ही किससे भाग दे दो? सीधे 5 से। जैसे 35 × 5 है, वहीं के वहीं 5 से भाग दे दो। प्लस माइनस का 1.5 × 20 है, वहीं के वहीं 5 से भाग दे दो। 5 से भाग दोगे तो यहाँ का परिणाम क्या आएगा? 35। 5 से भाग, 5 × 24, 1.5 × 4, 6, -6 आ रहा है सीधे औसत 29। तो सीधे यहीं 5 से भाग दे के सीधे काट दो, 35 बचा, 5 × 24, 1.5 × 4, 6 और ली आ जाएगा 29 सीधे औसत। ये काम आपने करना है ना, जब भी औसत निकालना हो पूरा कलेक्शन करने की मेहनत मत करो, सेकंड्स में काम होगा। तो इस सवाल नंबर एक से मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार के सवाल है टाइप 2 में, है ना। आप लोग गलती क्या कर रहे हो, मेरे पास कई सारे बच्चों के व्हाट्सअप पे डाउट्स भी आ रहे हैं। यूपीएसआई का एग्जाम, यूपीएसआई के एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम आपके साथ क्या हो रही है? आप जब दूसरी किताब में क्वेश्चन देखते हो आप पहचान नहीं पाते। दूसरी किताब में जब आप कहीं भी इधर उधर क्वेश्चन देखते हो तो आप पहचान नहीं पाते कि उस क्वेश्चन में ये मेथड लगेगी। अब आपकी प्रॉब्लम है, आप पहचान नहीं पा रहे हो। सवाल को थोड़ी देर तक देखो कि क्या ये मेथड लगेगी। जब भी किसी समूह में कोई नया समूह आके टकराता और औसत में चेंज आता, वहाँ ये रूल हम लगाते हैं। आई बात समझ? बहुत सारे तरीके, बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताया। 1 के बाद अब मैं सीधे आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर, देख लेते हैं क्या है कहानी, है ना, सवाल नंबर 3 की। ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए सवाल नंबर 3 हम नीचे ही कर लेते हैं, यहाँ पर है ना, नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, ठीक है, एक लिफ्ट है जिसका औसत भार 80 किलोग्राम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। एक लिफ्ट है जो कितने यात्रियों को ले जा सकती है? 16, और उनका औसत भार कितना होना चाहिए? 80। मतलब लिफ्ट की क्षमता होती ना कि भैया इस लिफ्ट की क्षमता है कि 16 लोग और औसत भार 80 किलोग्राम, इस प्रकार वो लिफ्ट कैरी कर सकती लोगों को। आई बात समझ में? अब क्या हुआ उसमें आगे, अचानक से क्या हुआ है ना, 4 लोग जबरदस्ती चढ़ गए, है ना, 4 लड़के जबरदस्ती चढ़ गए, 4 लड़के जबरदस्ती चढ़ गए और लिफ्ट का औसत भार उन 4 के आने के बाद कितना हो गया? 86। तो बताइए औसत भार 6 बढ़ गया क्या? और अब औसत भार कितना हो गया उसका? 86। आई बात समझ में? क्लियर? तो बताइए औसत भार उसका 6 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए क्या है कहानी, हमें इन 4 लोगों का औसत निकालना है। सेम सवाल है, पुराना एवरेज कितना है? 80। नए लोग कितने आ गए भैया? 4। जैसे 5 आए थे, यहाँ 4 आए हैं, प्लस चेंज इन एवरेज कितना है? +6। ओके, कोई दिक्कत नहीं। टोटल लोग कितने हो गए? 16 और 4, 20 इंसान हो गए टोटल, 20। चलिए अच्छा, ये क्या देगा? आने वाले इन 4 का टोटल है ये, यदि बटा 4 कर दे तो सीधे 4 का औसत आ जाएगा क्या? बताइए आने वालों का टोटल है कि नहीं, इसको जोड़ लोगे तो 320 और 120, 440 आएगा ये। 440 में 4 से भाग दोगे तो औसत आ जाएगा 110। आई बात समझ में? तो या तो कर लो कैलकुलेट, कितने लोग हैं इसमें? 4 लोग जो नए आए, आने वालों का टोटल, आने वाले 4 आए एक्स्ट्रा, 4 लोग टोटल 440, 440 बाई 4 आ जाएगा क्या औसत? 110। आई बात समझ? फिर ये 4 भाग दे लो, 4 से भाग दोगे तो यहाँ 80 बचेगा, यहाँ 4 से भाग दोगे यहाँ 30 बचेगा, 4 से भाग दोगे 4 × 5 = 20, तो 110 आ जाएगा यहाँ से भी। क्लियर? ये तीसरा सवाल था, है ना। अब एक और सवाल करवा देता हूँ, पांचवा, है ना, बाकी आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के सवाल इसमें आ रहे हैं। पांचवे पे आ जाते हैं सीधे हम, है ना, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं पांचवा सवाल, है ना, क्या बोल रहा है पांचवा, सुन लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कहानी इसकी, देख लेते हैं, है ना। ठीक है, पांचवा सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना। एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, ठीक है, उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपये और खर्च करता है तो वहां 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है, और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र औसत कीमत 1 रुपया कम हो जाएगी। प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बताइए। अब सुनिए, एक पुस्तकालय वाला क्या कर रहा है, अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, कितनी? 60, 1, 2, 3 up to 60, 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, 4 और एक्स्ट्रा खरीद सकता है यदि कितने रुपए खर्च कर दे? 336, यानी कि 336 रुपए में 4 किताबें और आ जाएंगी, ऐसे करके 336 रुपए और खर्च कर दे तो 4 कहानी की पुस्तकें और आ जाएगी। वैसे वो एक समूह क्या बनाया है, स्टार्टिंग में 60 पुस्तकें खरीद रहा है, 60 पुस्तकों का औसत नहीं दिया, ठीक है। अब चलिए इसका औसत हम x मान लें, जैसे इसके साथ ये 4 पुस्तकें मिलती है तो औसत
प्रति पुस्तक औसत कीमत 1 रुपया घट जाती है, मतलब नया औसत x माइनस वन, यानी कि चेंज इन एवरेज माइनस वन है। चलिए तो पुराना औसत कितना है, x रख दे x, कितने लोग नए आए, 4। इनके आने से औसत में क्या चेंज आया, माइनस वन। प्रति पुस्तक औसत कीमत 1 रुपया घट गई, माइनस वन इंटू फाइनल लोग कितने हो गए, 60 और 4 64। आई बात समझ में, क्लियर, 64 है ना, ठीक है। बराबर 336 दिया है, जो हम निकाल रहे थे वो दिया है। अरे यार आने वालों का टोटल, तो आने वाली 4 पुस्तकों का टोटल 336 रुपया खर्च है कि नहीं, 336 रुपया यदि एक्स्ट्रा खर्च करेगा 4 पुस्तकें और मिल जाएगी, इसका मतलब वो आने वाले 4 जो एक्स्ट्रा हैं जिनकी बात हो रही है वो टोटल मिला के 336 है कि नहीं है, क्लियर है। चलिए क्या निकालना है इसमें, इसमें प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बताइए। तो प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत हमने एक्स मानी, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 64 जाके उधर जुड़ेगा तो 400 हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 400, तो x बराबर 100। तो प्रति पुस्तक औसत कीमत पहले की क्या थी, 100। आई बात समझ में, क्लियर है, समझो आप गेम को समझो, है ना, किस किस प्रकार के सवाल इस फॉर्मूले के अंतर्गत आ रहे हैं। अब सीधे मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर इस पर आ जाता हूँ, 9 पर आ जाता हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 9, टाइप सेकंड का ही क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहा हूँ, ठीक है ना। सवाल नंबर 9 है ना, स्पीड बढ़ा कर देखो, जैसे भी देखना हो देखो, लेकिन कंटिन्यूसली आपको समरी देखना है, आप मान के चले, है ना। चलिए सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, सवाल नंबर 9 क्या है, कहानी 9 की। अ क्रिकेट प्लेयर, एक खिलाड़ी 14वीं पारी में 97 रन बनाता, उसकी औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। 14वीं पारी जैसे ही खेली औसत 3 बढ़ गया, यानी कि पुरानी 13 पारी खेले हुए वो 14वीं पारी खेलते से ही ऐसा ऐसा परिवर्तन हुआ, यानी कि 14वीं पारी खेलते से ही ऐसा ऐसा परिवर्तन हुआ, यानी कि पुरानी नंबर ऑफ पारी कितनी है उसकी, 13। 13 पारी से तुलना हो रही है भैया, 13 कितनी पारियां हैं, 13। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना, 13 पारी, ठीक है, और 14वीं पारी एक और उसने खेली, आई बात समझ में। 14वीं पारी में अकेले में कितना रन बनाया उसने, 97। 14वीं पारी में अकेले में उसने कितना रन बनाया, 97। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना, और उसकी औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। पुराना औसत कितना था, एक्स मान लेते हैं, 14वीं पारी खेलते से औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई, यानी कि x प्लस 3, यानी कि 3 बढ़ गया। ये मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सवाल ऐसे ही है, ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आप उसी प्रकार से काम करोगे। तो पुराना औसत कितना भैया, x, कितने लोग नए आए, एक ही पारी नहीं आई, एक ही मैच नहीं आया, प्लस चेंज इन एवरेज क्या है, 3 बढ़ रहा है, प्लस का 3 है ना, और फाइनल नंबर ऑफ मैच कितने हो गए, 13 और 1 14 मैच हो गए, 14 है ना, और आने वालों का टोटल कितना है, 97 है ना, ठीक है। तो 97 में से 42 जाके घटेगा तो 55 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 55। आई बात समझ में, ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि 13 पारियों का औसत ज्ञात करें, 13 पारियों का औसत x बराबर 55 आ गया, क्लियर है ना, ठीक है, समझ में आती बात क्या है कहानी, क्लियर है, समझ गए आप लोग इस प्रकार के सवाल। चलिए अब टाइप 3 पर आ रहा हूँ। टाइप 3 में क्या है, फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। टाइप 3 में इतना सा फर्क है कि फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, सिर्फ इतना सा चेंज है ना, क्योंकि यहाँ लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहाँ लोगों की संख्या घटेगी, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, केवल माइनस, है ना। तो चलिए देखिए टाइप 3, टाइप 3 है ना, सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा कि फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, है ना, ठीक है। चलिए टाइप 3, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर हमें जो करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 कर लेते हैं, है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो क्या है कहानी, आने वालों के टोटल की जगह जाने वाले का टोटल, क्योंकि अब लोग आएंगे नहीं, लोग जाएंगे, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया, 600 विद्यार्थियों का औसत 18 है, 600 कितने विद्यार्थी है, 600, 1 2 3 अप टू 600 विद्यार्थियों का औसत क्या है, 18 है ना, 18, ठीक है, 600 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी छोड़कर चले गए, 50, यदि 50 लोग चले गए तो बताइए 550 बचे, 50 लोग चले गए, 600 विद्यार्थियों का औसत क्या है, 18, तो प्रीवियस एवरेज पुराना औसत 18 है, कितने लोग चले गए, 50 लोग चले गए, 50 लोग चले गए, तो जाने वालों, अभी आने कितने नए आते थे उनकी संख्या लिखते थे, अब कितने जाएंगे उनकी संख्या लिखेंगे, 50, इनकी वजह से औसत में क्या चेंज आया भैया, औसत 0.6 घट गया, 0.6 घट गया, यानी कि माइनस का 0.6 का चेंज है,
फॉर्मूले का अपना साइन रहेगा, आपका औसत बढ़ने घटने का अंदर अलग साइन रहेगा, जो भी होगा, बढ़ेगा तो प्लस में आएगा, घटेगा तो माइनस में। और फाइनल लोग यहाँ 550 है क्या? फाइनल वहाँ फाइनल बढ़ के आता था जुड़ के, यहाँ फाइनल घट के आएगा। फाइनल तो फाइनल है, 550 बचे ना, फाइनल 550 लोग है ना। चलिए अब क्या निकालना है इसमें, तो उन 50 लोगों का एवरेज, तो चलिए इसको जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो 18 × 5 = 90, 900 आ गया ये, माइनस माइनस प्लस, यदि इसको करेंगे ठीक है ना, तो 6 × 55 330 आएगा ये। तो ये टोटल आ जाएगा आपका, जाने वालों का टोटल आ जाएगा 1230। 1230 में कितने लोग हैं? 50 है ना, ठीक है। कितने लोग हैं? 50, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा ये, 100 × 2460, तो 24.6 आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो एवरेज कितना आएगा? 24.6। अब इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे 50 से यहाँ भी भाग लगा सकते थे, सीधे 50 × 50 दोनों में सीधे एवरेज रुपी आ जाता ना आने जाने वालों का। तो 50 से 50 कट जाता, 18 बचता यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाता, 50 से 11 बार जाता, 6.6 आता यहाँ पे, 24.6। 50 से 11 बार जाएगा, 11 × 6 तो 6.6 आ जाएगा प्लस, तो सीधे 24.6 आपका आंसर ही आ जाता। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी कर सकते थे ना। चलिए तो समझ में आया सवाल आपको। एक और सवाल नंबर 4 भी करवा देता हूँ मैं इसमें आपको, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। सवाल नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सवाल नंबर 4 क्या है देख लेते हैं, 4 की कहानी है ना। 10 खिलाड़ियों का एवरेज 35 है ना, 10 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ियों का एवरेज क्या है? 35 है ना, ठीक है। यदि कैप्टन और यंगेस्ट प्लेयर को हटा दे, यानी कि दो इंसानों को हटाया जा रहा है, बताइए 8 लोग बचेंगे है ना, ठीक है। औसत क्या था? 35। पुराना औसत क्या था? 35। कितने इंसानों को हटाया जा रहा है? दो को। जाने वाले कितने लोग हैं? दो। यंगेस्ट प्लेयर और कप्तान, दो लोग जा रहे हैं। इनके जाने से औसत में क्या चेंज आया? पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है सवाल, है ना, ठीक है। एवरेज बिकम्स 30, औसत 30 हो गया, 30 हो गया, यानी कि एवरेज घट गया है 5। तो एवरेज में चेंज माइनस 5 है कि नहीं है? क्लियर। तो चेंज इन एवरेज क्या है? माइनस का 5, ठीक है ना, माइनस का 5 है ना, ठीक है। और फाइनल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 8। 10 थे, 8 हो गए फाइनल नंबर ऑफ मेंबर्स। चलिए देखिए क्या निकालना है इसमें, ठीक है ना। अब इसको जोड़ोगे तो 70 और 40, 110 आ रहा है। 110 में एक तो कप्तान है और एक युवा खिलाड़ी है, एक कैप्टन है और एक यंग प्लेयर है ना, ऐसे करके हैं। इन दोनों का मिला के 110 है ना, कैप्टन और यंग प्लेयर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 110 में से कैप्टन और यंग प्लेयर को अलग अलग करना है। कैसे अलग अलग करना है? कि भैया उनकी आयु का अंतर कितना हो? 30 साल। यदि उनका आयु का अंतर 30 साल है तो सीधी सी बात है, यंगर प्लेयर यदि X है तो कैप्टन X प्लस 30 होगा क्या? यंगर प्लेयर यदि X है तो बताइए कैप्टन X प्लस 30 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है, इतनी बात है ना। अब 110 में से 30 गया तो इन दोनों को मिला के 1, 2, 3 ये तीनों मिला के 110 में से 30 गया, दोनों मिला के 80 बचा, तो 80 में से 40 आ जाएगा। X का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। तो बताओ यंग प्लेयर 40 का है और कैप्टन 70 का, तो 70 और 40 आयु आ जाएगी, युवा खिलाड़ी 40 का और कैप्टन कितने का? 70 का है ना, 70 40 आंसर आ जाएगा इसका। तो आया समझ में टाइप 3 आपको किस प्रकार का है? आने वाले प्लस और जाने वाले माइनस। टाइप 2 में प्लस आएगा, टाइप 3 माइनस आएगा। अब हम आ जाते हैं टाइप 4 पर, ठीक है। टाइप 4 क्वेश्चन नंबर बताता हूँ मैं आपको, टाइप 4 रिप्लेसमेंट वाला केस है, प्रतिस्थापन। देखिए मैं सुनाता हूँ कहानी, है ना। टाइप 4 है ना, ठीक है। अब इन फॉर्मूले की कहानी खत्म, इनका यूज ओवर हो गया है ना। अब हम रिप्लेसमेंट वाले गेम की बात करेंगे। रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। मैं लेता हूं इसके लिए सवाल नंबर 4, ठीक है। सुनिए, प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक क्लास है,
हमारी क्लास का औसत भार मान लो 50 किलो है। कितना किलो है? 50 किलो। मान लो हमारी क्लास में से सबसे कम भार वाले व्यक्ति को निकाल दो, 5 किलो का भार एक विद्यार्थी कम, 50 किलो हमारा एवरेज वेट है क्लास का है ना, यदि 5 किलो के भार वाला एक विद्यार्थी निकाल दो और उसकी जगह 500 किलो का विद्यार्थी ले आओ, तो बताइए क्लास का औसत भार बढ़ जाएगा? 5 किलो का जाए और उसकी जगह 500 किलो का विद्यार्थी आ जाए तो क्लास का औसत भार बताइए बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? आई बात समझ में? क्लियर? और यदि यदि ऐसा हो कि 500 किलो का विद्यार्थी जाए और उसकी जगह 5 किलो का आ जाए केवल, तो हमारा औसत भार घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा बताइए? तो रिप्लेसमेंट के दो रिजल्ट बन सकते हैं। किसी को एक को निकाल के उसकी जगह दूसरे को लाते हो, या फिर दो को निकाल के दो को लाए, 10 को निकाल के 10 को लाए, कोई भी रिप्लेसमेंट हो, प्रतिस्थापन हो किसी भी प्रकार का। ही बात समझ में? तो किसी को निकाल के किसी को लाने पर दो प्रकार के परिणाम आ सकते हैं, या तो आपका औसत बढ़ सकता है या तो आपका औसत घट सकता है। तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट वाले सवाल में ये देखो, किसी की जगह निकाल कर किसी दूसरे को ला रहे हैं, मतलब रिप्लेसमेंट का सवाल है, तो उसमें ये देखो कि उस रिप्लेसमेंट की वजह से आपका फ़ायदा हुआ कि नुकसान। औसत बढ़ा मतलब फ़ायदा मानो, औसत घटा मतलब नुकसान मानो। सबसे पहले इस नज़रिए से सवाल को देखना है। सवाल नंबर 4 देखिए, 20 लोगों का औसत 0.6 घट जाता है। 20 लोग हैं, 20 लोगों का औसत 0.6 घट गया। क्यों घट गया? दो व्यक्ति 25 और 35 साल के, उनके स्थान पर दो नए व्यक्ति शामिल हो गए। 25 और 35 साल के दो व्यक्तियों को निकाल के उनकी जगह नए को लाया और इसकी वजह से औसत भार 0.6 घट गया। 0.6 घट गया इसका मतलब सीधी सी बात है कि 0.6 घट गया इसका मतलब सीधी सी बात है नुकसान हुआ है हमारा। आई बात समझ में? तो औसत घटेगा कब? जब हमारा जाएगा ज़्यादा और उसकी जगह आएगा कम, गया ज़्यादा और आया कम, तब हमारा औसत घट जाएगा ना। कि गया ज़्यादा और आया थोड़ा सा केवल, तो औसत भार घटेगा कि नहीं घटेगा? तो औसत भार 0.6 घट रहा है मतलब हम समझ गए कि गया ज़्यादा है और आया थोड़ा सा है, मतलब गया ग्रेटर देन आया, गया ज़्यादा है और आया कम है। ये परिणाम है सवाल नंबर 4 का। तो अब जो गया और जो आया उसका अंतर कितना है? 0.6 × 20 बताइए है कि नहीं? अच्छा, इसके जाने से और इसके आने से टोटल कितना चेंज आया, परिवर्तन कितना आया कहानी में? तो 0.6 औसत परिवर्तन है, यानी कि प्रति व्यक्ति 0.6 फर्क पड़ा है, यानी कि टोटल 20 लोगों को मिला है तो 0.6 × 20 टोटल इतना परिवर्तन आया। इन दोनों का फर्क, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से ही ये परिवर्तन आया है कहानी में। क्लियर? यानी कि इन दोनों का डिफरेंस इतना था कि नहीं था। ही बात समझ में? ये चीज़ मैंने बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से आपको समझाई है क्लासेस में, है ना? ठीक है, अभी समरी है तो इतना ही बताऊंगा केवल। चलिए, तब गया कितना? 25 + 35 बताइए 60 गया है आपका। तो 60 − आया = 12। तो आया का वैल्यू यहाँ से 60 − 12 48 आ जाएगा क्या? तो जो आए हैं दो लोग उनकी कुल आयु 48 है कि नहीं है? तो जो दो लोग आए हैं उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 48। आई बात समझ में? ठीक है, उसमें से प्रत्येक की आयु हमें निकालनी है ना? ठीक है, यदि उनकी आयु का अंतर 9 साल है, यदि इनकी आयु का अंतर 9 साल है तो हमें प्रत्येक की आयु निकालनी है। तो आयु का अंतर यदि 9 साल है तो एक एक्स है तो एक एक्स प्लस 9 हो जाएगा क्या? बोलिए। यदि एक एक्स है तो एक हो जाएगा आपका एक्स प्लस 9 होगा क्या? बताइए। क्लियर है इतनी बात, है ना? तो 48 में से 9 गया तो कितना बचा? 39। 39 दोनों में बराबर बटेगा तो बताइए 19.5 जाएगा, 19.5 यहाँ भी और 19.5 यहाँ भी। तो 19.5 प्लस 9 28.5 और ये कितना आएगा? 19.5। तो बताइए 19.5 और 28.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर इतनी बात, है ना? तो समझ में आया है ना? ठीक है, एक और सवाल इसी प्रकार का हम ले लेते हैं, है ना? ठीक है। अच्छा, इसी रिप्लेसमेंट वाले केसेस मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डिजिट वाला, जब दो अंकों की संख्या का अंक परिवर्तन कर दो, है ना? जैसे बहुत सारे नंबर हैं, कोई एक नंबर दो अंकों का एक्स वाई है, गलती से उसको वाई एक्स लिख दो, है ना? इस प्रकार का सवाल। तो इस प्रकार के सवाल के लिए फॉर्मूला बनवाया था मैंने कि एक्स माइनस वाई बराबर एन इंटू चेंज इन एवरेज अपॉन 9। बनवाया था क्या इस प्रकार का फॉर्मूला, है ना? एक्स माइनस वाई यानी कि डिजिट डिफरेंस है, क्या है ये? अंकों का अंतर बराबर एन, संख्या नंबर ऑफ नंबर कितने, चेंज इन एवरेज।
कि भैया एक्स वाई की जगह वाई एक्स, यानी कि कोई नंबर 23 है तो उसको गलती से आपने 32 लिख दिया। जब ये गलती या त्रुटि करते हो आप, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाकर बताया था, अभी बनाकर नहीं बताऊंगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो यहाँ आएंगे, औसत में क्या परिवर्तन आया वो यहाँ, और डिजिट का डिफरेंस। तो मतलब तीन कैरेक्टर है, अंकों का अंतर, एन और चेंज इन एवरेज, इन तीन में से किन्हीं दो की वैल्यू दी जाती, तीसरा आपको निकालना होता है। तो जो टाइप फोर है ना, टाइप फोर में सवाल नंबर सात से सवाल नंबर 11 तक सारे सेम है, 7, 8, 9, 10, 11 सारे सेम है। इन सभी में, इन तीन में से किन्हीं दो का वैल्यू दिया, तीसरा आपको निकालना है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं, ठीक है ना, कि दसवां सवाल में आपको करवा देता हूँ। दसवें सवाल में क्या दिया है, ट्रू डिजिट नंबर है, एवरेज रिड्यूस्ड बाई 0.9, एवरेज में क्या चेंज आया, 0.9, ये आपको दिया है ना, ठीक है ना। एवरेज में क्या चेंज आया, 0.9, ठीक है। और टोटल नंबर कितने हैं, अच्छा वो निकालना है, ये एन का वैल्यू हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना। और अंकों का अंतर क्या है, दो, अंकों का अंतर दो दिया है, तो निकाल लें एन का मान। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 10, नो कैंसिल, 10 × 2 = 20, तो बताइए एन बराबर 20 आ जाएगा क्या, क्लियर इतनी बात। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 20, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना, है ना। तो समझ में आया टाइप फोर भी आपको किस प्रकार का गेम है ना, बाकी क्वेश्चन आपको साथ साथ लेने। चलिए मैं आ रहा हूँ टाइप फाइव पर, देख लेते हैं टाइप फाइव की क्या कहानी है ना, मिटा दो इसको, है ना, ठीक है ना। चलिए टाइप पाँच क्या कह रहा है, टाइप पाँच देख लेते हैं। टाइप पाँच में एरर वाले क्वेश्चन है, गलती वाले क्वेश्चन है ना, एरर वाले, ठीक है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है टाइप पाँच में, समझ लेते हैं इसको, है ना। क्या है कहानी, पहला क्वेश्चन लेता हूँ, उसे समझाता हूँ मैं आपको, है ना। ऐसा है कि 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 50 है, 5 छात्रों का, 5 स्टूडेंट्स का अंकों का औसत क्या है, 50, 5 स्टूडेंट्स के अंकों का औसत क्या है, 50। मतलब फिर आगे क्या हुआ, बाद में पाया गया कि छात्र जिसने 48 अंक प्राप्त किए थे उसके गलती से 84 पढ़ लिए। बेचारे ने प्राप्त किए थे 48, लेकिन उसके गलती से क्या पढ़ लिए, 84। अब हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे, हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे, जो भी गड़बड़ हुई है उसको सुधार करेंगे। आई बात समझ में। अब आप देखो गलती क्या हुई, मतलब पांच लोग, इस पांच स्टूडेंट क्लास में बैठे थे, है ना, मुझे बोला गया कि इन पांच लोगों का औसत का, अंकों का औसत निकालो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पांचों से नंबर पूछूंगा, भैया कितने कितने आए पांचों के, फिर पांचों के नंबर पूछकर जोड़ूंगा और बाई पांच करूंगा, तब जाके अंकों का औसत आएगा। तो जब मैंने पांच लोगों का एवरेज निकाला, पांचों के अंक जोड़े, पहले पूछे नंबर, नंबर पूछ के जोड़े और जोड़ के क्या किया, बटा पांच, इस प्रकार मैंने औसत क्या निकाल के दिया, 50। लेकिन बाद में पता चला कि मैंने गलती की थी, क्या गलती की थी, किसी एक विद्यार्थी के संग अंक लेते समय 48 लेना था, गलती से क्या ले लिया मैंने, 84। तो लेना था 48, गलती से क्या ले लिया, 84। तो बस यही गलती है इसमें, तो बताइए ये औसत भी गलत वाला औसत हुआ कि नहीं हुआ। जब इसमें एक विद्यार्थी के मार्क्स गलत जोड़कर औसत निकला है, मतलब ये गलत वाला औसत है, हमें सही औसत निकालना है। क्या करना है इस सवाल में, हमें सही औसत निकालना है। आई बात समझ में, क्लियर। तो चलिए कैसे निकालेंगे हम सही औसत, देख लेते हैं ना। सही औसत, अब देखो कहानी क्या है, अच्छा 48 से 84 ले लिया, तो बताइए 36 बेवजह ज्यादा दे दिया, 48 की जगह 84 लेना था, 48 गलती से ले लिया, 84 गलती से 84 ले लिया, 36 ज्यादा दे दिया। सुधार माइनस 36 करके करोगे कि नहीं करोगे, बताओ, करोगे माइनस 36 करके सुधार, आई बात समझ में। तो बताइए 50 × 5 टोटल 250, भैया पांच लोगों का टोटल कितना बन रहा, 250, लेकिन आप जानते हो 250 में 36 रुपए ज्यादा मिले हुए हैं, तो 250 में 36 माइनस करेंगे तब जाके सही टोटल आएगा कि नहीं आएगा, 214। तो बताइए सही टोटल जो आएगा, वो सही टोटल आपका 214 आएगा कि नहीं आएगा, 36 ज्यादा था ना उसमें, तो माइनस 36 करो, क्योंकि गलत योग तो 250 है, आप जानते हो गलत योग में क्या गलती है, 36 रुपए ज्यादा मिले और 36 छीन लो इनसे 250 में से, सही टोटल 214 है। तो अब सही टोटल में 5 से भाग दोगे तो सही एवरेज 42.8 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा क्या, क्लियर है। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि ये काम ना करो, आप शॉर्ट में करो इसको। कैसे शॉर्ट में करो, सीधे एवरेज को ही सुधार दो ना, टोटल तक जाओ भी मत, टोटल बनाना ही नहीं पड़े, सीधे औसत को ही सुधार दो वहीं के वहीं। तो बताइए टोटल सुधार 36 है, अच्छा
औसत सुधार, औसत का सुधार निकाल ले सीधे, ये टोटल में सुधार करोगे 36 है, औसत का सुधार निकाल लेते सीधे, है ना। तो बताइए औसत का सुधार 36/5 7.2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। औसत का सुधार कितना आएगा 36/5 यानी कि 7.2। आई क्या बात समझ में, क्लियर है ना। 36/5 यानी कि 7.2 यानी कि औसत में सुधार माइनस का 7.2 है, तो सीधे औसत को पकड़ के सुधार दो ना, 7 रुपये 20 पैसे 50 रुपये में से घटाओगे तो आ जाएगा 42 रुपये 80 पैसे, आ जाएगा सही औसत। तो कुल टोटल में सुधार 36 है, टोटल में सुधार करो तो 36 कर दो, हमें तो सही औसत निकालना है, तो वो गलत औसत 50 सीधे औसत को ही सुधार दो। तो 36/5 करेंगे क्योंकि 5 लोग हैं ना, तो 2/5 करने से औसत रूप आ जाएगा, तो औसत में सुधार 7 रुपये 20 पैसे का है, तो -7 रुपये 20 पैसे करोगे सीधे सही औसत क्या 42.8 आया समझ में, क्लियर। एक और सवाल लेते, सवाल नंबर 4 है ना, सवाल नंबर 4 लेते हैं एक और, समझ में आ रहे, एरर वाले सवाल है ना, देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी यार, है ना। सवाल नंबर 4 है ना, ठीक है, सवाल नंबर 4 पर आ जाता हूँ मैं, है ना। क्या बोल रहा है सवाल नंबर 4 हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 की कहानी ऐसी है कि एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का औसत निकालने को कहा गया। विद्यार्थी ने 54.80 किलोग्राम, एक मिनट है ना, एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का, एक मिनट है ना, हाँ, एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का औसत निकालने को कहा गया, ठीक है। जैसे मैं मॉनिटर हूँ क्लास का, तो मेरे टीचर ने बोला मुझको मॉनिटर को कि आपकी क्लास का औसत निकालो, 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो भैया मैंने औसत निकाला, विद्यार्थी ने 54.80 किलोग्राम जवाब दिया, क्या औसत निकाला 54.80 किलो, ये औसत निकाला है ना, कितना औसत निकाला 54.80 किलो, ठीक है, ये औसत निकाला है ना, ठीक है। स्टूडेंट ने, टीचर ने स्टूडेंट को बोला जा भैया औसत निकाल, बच्चा औसत निकाल के आया 54.80, अब आगे क्या हुआ है ना, ठीक है। शिक्षक द्वारा जांचने पर पता चला कि, अब शिक्षक ने जांचा कि सच में सही निकाला, शिक्षक द्वारा जांचने पर पता चला कि 2 विद्यार्थियों का वजन 70 तथा 60 किलो के बदले 67 और 51 ले लिए, 2 विद्यार्थियों के अंक वजन 70 और 60 लेने थे, गलती से क्या ले लिए 67 और 51 ले लिया गलती से। तो चलो भैया, अब देखा टीचर ने कि भैया ये गड़बड़ी, टीचर सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे, तो एक तो ये गड़बड़ी हुई है ना, टीचर ने बच्चा जब निकाल के लाया 54.80, ये गलत औसत है, एक्चुअली गलत है, पूरे सवाल की कहानी पढ़ने के बाद पता चल रहा गलत है, इसको सही करना पड़ेगा ना। तो 70 और 60, आई बात समझ में, 70 60 टीचर ने जांचा कि ये गड़बड़ है कि 70 2 विद्यार्थियों में गड़बड़ की, इसने 70 60 की जगह उनका 67 और 51 ले लिया और जोड़ दिया और गलत जोड़ के गलत मार्क्स लेके दी, औसत निकाला गलत औसत हुआ, ये बात समझ में, औसत को सुधारना पड़ेगा। सुधार कैसे करेंगे, अच्छा इसको 3 कम दिया तो इसको 3 जोड़ के सुधार करेंगे, इसको 9 कम दिया तो इसको 9 जोड़ के सुधार करेंगे। तो बताइए टोटल सुधार +12 का आएगा कि नहीं आएगा, टोटल सुधार दोनों का मिला के +12 का करेक्शन करना पड़ेगा आगे। तो एक तो टीचर ने ये गड़बड़ी देखी, ये एरर देखा आगे, ठीक है। तथा शिक्षक द्वारा यहाँ भी जांचा गया कि विद्यार्थियों की संख्या 50 की बजाय 60 ले ली गई, कैसा पगला विद्यार्थी था औसत निकालने वाला, एक तो 2 बच्चों के अंकों में गड़बड़ कर दी, दूसरी गड़बड़ क्या जांचा शिक्षक ने कि 50 की बजाय विद्यार्थियों की संख्या 60 ले ली, क्लास में बैठे 50 है और उसने 60 विद्यार्थियों का मान के औसत निकाल दिया, बताओ है ना। अब सुनिए मेरी बात, 2 जगह गलती की इस विद्यार्थी ने औसत निकालते समय, 2 बच्चों के मार्क्स गलत लिए, साथ ही साथ बच्चों की संख्या की गिनती भी क्लास की गड़बड़ की, थे 50 उसने 60 गिन लिए बच्चे, कैसा पागल बच्चा है, 60 बच्चे गिन के उसने वो गलत औसत निकाल दिया, आई बात समझ में। तो चलिए अब सुनना मेरी बात, अब उस विद्यार्थी की जगह जाओ जिसने गलतियां की, और उस विद्यार्थी की जगह जाकर आप भी उसी प्रकार से गलती करो, कॉपी मारो उस विद्यार्थी के कैलकुलेशन को जो उसने किया। अच्छा विद्यार्थी ने क्या किया होगा, सबसे पहले विद्यार्थी ने, हम जानते हैं कि एक एक बच्चे के मार्क्स जोड़े होंगे, गलत टोटल किया होगा। अच्छा सबसे पहले विद्यार्थी ने औसत कैसे निकाला, सेम उसकी जगह जाकर कॉपी पेस्टिंग करेंगे, सेम काम करेंगे, उसने एक एक बच्चे के मार्क्स लिखे होंगे फिर जोड़े होंगे, और सभी बच्चों के मार्क्स जब जोड़े तो उसने जो टोटल किया वो गलत टोटल किया, क्योंकि बाद में हमें पता चल रहा है
कि भैया जो उसने टोटल किया था वो टोटल गलत था कि नहीं था, क्लियर। तो उसी की कॉपी यदि हम कर रहे हैं, वही उसी का काम कर रहे हैं, तो हम भी सेम गलती किए हैं, आई बात समझ में? तो मतलब हमें अब पता चला कि उसने जो टोटल किया था वो गलत टोटल किया था, तो उस विद्यार्थी ने क्या क्या किया था वही कर रहे हैं हम, उसी को हम इमेजिन कर रहे हैं। तो उस विद्यार्थी ने पहले तो टोटल गलत किया था, और गलत टोटल में किससे भाग दिया था उसने, 60 से। कैसे पता चला 60 से? क्योंकि टीचर ने जांचा ना, टीचर ने देखा कि ये विद्यार्थी बोल रहा है 60 बच्चे, जबकि टीचर ने गिना कितने बच्चे, केवल 50 बच्चा बोल रहा है, जिसने औसत निकाला वो बोल रहा है 60 बच्चे। तो हम समझ गए यदि वो 60 बच्चे बोल रहा है, इट मीन्स उसने गलती से 60 गिना होगा। तो जब उसने औसत निकाला होगा तो टोटल गलत करके गलत 60 से भाग दिया होगा। अरे यार, उस बच्चे का तो आज गलती पता चला ना कि 50 बच्चे हैं, उसकी नज़र में तो कैलकुलेशन करते समय औसत का 60 ही बच्चे थे, तो उसने तो गलत टोटल करके 60 से भाग दिया होगा। और ये काम उसने, ये कैलकुलेशन किया होगा, और इस प्रकार जो औसत उसने निकाला गलत, इसका रिजल्ट 54.8 निकाला उसने। तो चलिए उसका गलत टोटल हमारे हाथ लग जाएगा यहाँ से, कि उसने गलत टोटल जो किया हुआ कितना था, 60 का गुणा कर दे उधर, 54.8 इंटू 60 करेंगे तो यह आएगा 6 8 48 4 28 2 30, 3288 आए गए, सही किया ना, 4 28 2 3288 ना। तो गलत टोटल कितना आएगा, 3288। ये इस बहाने हमारे, हमें उसका गलत टोटल, उसने जो गलत टोटल किया था वो हाथ लग गया। तो चलो अब हम सही टोटल बना ले भैया। तो सही टोटल बनाने के लिए 3288 में 12 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही सुधार है ना, कुल सुधार प्लस 12 करके होगा। 3288 में 12 जोड़ेंगे तो बताइए सही टोटल 3300 आएगा। सही टोटल अब आया बच्चों का 33। तो चलिए अब हम सही औसत निकाल लें क्या, तो सही औसत बताइए 3300/50 से आएगा कि नहीं आएगा। सही में सही टोटल 3300 और सही लोग 50 से, आई बात समझ में, क्लियर? ठीक है, तो बताइए 66 आंसर आएगा क्या इसका। तो सही औसत सारे बच्चों का कितना आएगा आपका, 66, आई बात समझ में? तो आंसर आएगा इसका 66, क्लियर है? दो जगह गलतियाँ की थी, दोनों सवाल समझ में आए आपको टाइप फाइव के? एक पहला बताया था उसमें केवल यहाँ गलती थी, तो उसको हम दो तरीके से, इस सवाल को हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, आई बात समझ में? तो बाकी के सवाल आपको करना है इस सवाल को देख देख के इसके ज़रिए, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं टाइप सिक्स पर। टाइप सिक्स में एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी है ना, तो आ जाते हैं टाइप सिक्स पर। ठीक है, टाइप सिक्स है ना, देख लेते हैं टाइप सिक्स की कहानी, है ना। ठीक है ना, टाइप सिक्स में एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी है, टाइप सिक्स में है एपी सीरीज, एपी सीरीज यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। चलिए देखिए एपी सीरीज की बात करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एपी सीरीज आपको फिर से, है ना, ताकि आपकी हेल्प हो जाए थोड़ी। ठीक है, देखिए अब कहानी क्या है, एपी सीरीज समानांतर वाली श्रेणी है ना, जैसे भैया 1 2 3 4 5 ही एपी सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 ये भी एपी सीरीज है, आई बात समझ में, क्लियर? एपी सीरीज का औसत निकालने का तरीका है, पहला और आखिरी जोड़ के क्या कर दो, आधा। कैसे औसत निकालते हैं, पहला और आखिरी जोड़ के क्या कर दो, आधा, आ जाएगा औसत 3। किसी भी एपी सीरीज का औसत निकालना है, पहला और आखिरी जोड़ के क्या कर दो, आधा, 7/2 आ जाएगा 3.5, है ना। किसी भी एपी सीरीज का एवरेज निकालने का तरीका है कि पहला और आखिरी जोड़ के क्या कर दो, आधा, आई बात समझ में? तो 7/2 आ जाएगा 3.5, 6/2 आ जाएगा 3, क्लियर? तो एक तो तरीका फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, दूसरा तरीका मध्य बिंदु बाय पोजिशन, सबसे बीच में कौन बैठा है, 3, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है औसत 3, बाय पोजिशन स्थिति के हिसाब से सबसे बीच में कौन बैठा है, 3, यहाँ सबसे बीच में कौन बैठा है, 3.5 बैठा है, क्या आई बात समझ में? तो यहाँ सबसे बीच में 1 2 3 4 5 6, इन 6 के बीच में क्या बैठा है, 3.5, आई बात समझ में? बताइए इन 6ों के बिल्कुल बीच में बाय पोजीशन लोकेशन के हिसाब से इन 6ों के बीच में कौन बैठा है, बताइए, बीच में तो 3 और 4 है, और इसके भी मध्य में कौन बैठा है, 3.5, तो बताइए इसका औसत बिल्कुल मध्य बिंदु 3.5 है कि नहीं है। तो दो तरीके आपने ध्यान रखने, आई बात समझ में, क्लियर? कहीं से भी सीरीज चालू हुई आपकी 14 15 16 17 18, कहीं से भी, जरूर नहीं 1 से ही चालू हो, कहीं से भी चालू हो, आई बात समझ में? पहले और आखिरी का जोड़ के क्या करना है, आधा। देखो एक एक का अंतर है, समान अंतर वाली श्रेणी है, पहले और आखिरी को जोड़ के क्या करेंगे आप, आधा, है ना। तो 32/2 आएगा क्या 16 औसत,
या फिर मध्य बिंदु। अब देखो इन पांचों में सबसे बीच का 16 है कि नहीं है, आ रहा है वो सब 16 है ना। अभी एक एक जरूरी नहीं, एक एक अंतर कितने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 37 है ना, 37 42 है ना, 47 है ना, 52 है ना, 57। अच्छा पांच पांच का अंतर है सब में, सब में समान अंतर होना चाहिए, तो समान अंतर वाली श्रेणी हुई ना। अब देखो इसका भी औसत कैसे निकालोगे, पहला प्लस आखिरी बटा दो, पहला प्लस आखिरी बटा दो करोगे है ना, ठीक है 14, 114 बाय दो है ना, 114 बाय दो, 114 बाय दो नहीं यार रुको, ये आएगा आपका 94 बाय टू, आ जाएगा 47। या फिर मध्य बिंदु देखो, मध्य बिंदु 47 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहीं से भी सीरीज चालू हो ठीक है। अब लोग क्या होता है, सम संख्याओं के लिए अलग फॉर्मूला बनाया, विषम संख्याओं के लिए अलग फॉर्मूला बनाया है ना, तो सम विषम के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है। अरे सम संख्याएं जो हैं 2, 4, 6, 8 ये भी तो समांतर श्रेणी है, तो ये वाला फॉर्मूला सब में लग जाएगा ना, समांतर इवन नंबर में भी लग जाएगा सम संख्याओं में। विषम संख्या भी क्या है, अरे विषम संख्या भी तो आपकी समान अंतर वाली श्रेणी हुई कि नहीं हुई, तो विषम संख्या में भी ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए है ना। तो सम विषम सबको कवर कर लेगा ये फॉर्मूला, ए पी सीरीज, बस समांतर सम संख्याएं भी ए पी सीरीज है, विषम संख्या भी ए पी सीरीज है, यही बात समझ में। चलिए कुछ एक सवाल हम कर लेते हैं इसके ठीक है, जैसे टाइप 6 है ना, थोड़ा सा आइडिया मैं देने की कोशिश करता हूँ, बाकी सारे सवाल आपको टाइप 6 के करने हैं है ना ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ बता देता हूँ ठीक है। टाइप 6 की यदि हम बात करें है ना ठीक है, तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो, तो प्राकृत संख्या ये होती है, तो बताइए इसका औसत कैसे निकालोगे, पहला प्लस आखिरी बटा दो, 50.5 रुपये आ जाएगा, प्राकृत संख्या है 100 तक की, 100 आई बात। दूसरा सवाल, प्रथम 50 सम संख्या, तो प्रथम 50 सम संख्या बताइए, आखिरी सम संख्या 100 होगी, प्रथम 50 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो 50वीं संख्या पे 100 आएगा कि नहीं आएगा, प्रथम 50 सम संख्या, तो इसका भी औसत कैसे निकालोगे, 2 + 100/2 आई बात समझ में। तो 2 + 100/2 जब आप करेंगे है ना, इधर चले जाइए आप ऑफिस में, टू प्लस हंड्रेड बाय टू यानी कि कितना आएगा ये 51 आई बात समझ में, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 100 तक के इवन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 100 तक के इवन नंबर, तो 100 तक के इवन नंबर यही तो हुए ना, 2, 4, 6, 100, तो सेम आंसर आ जाएगा तीसरे का भी। चौथे में क्या बोल रहा है, ऑड नंबर 1 से 100 तक की विषम संख्या, तो 1 से 100 तक की विषम संख्या में कौन आएगा, 1, 3, 5, 7 up to 99 यही आएगा, तो ये भी दो दो के अंतर पे समान अंतर वाले श्रेणी, तो पहला प्लस आखिरी बटा दो, 1 + 19 / 2 बताइए 50 आएगा कि नहीं आएगा। तो इवन नंबर ऑड नंबर सब में से, क्योंकि सब में समान अंतर है ना दो दो का, ही बात समझ में, समान अंतर वाली श्रेणी ठीक है। अब इसमें और आगे बताऊं मैं ठीक है ना, अब इसमें एक और सवाल मैं आपको करवा देता हूं, देखिए ठीक है, सवाल नंबर 6 देख लीजिए आप है ना, सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं ठीक है, बाकी के सवाल आपको करने हैं सब, ऐसा नहीं मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ समरी में आपको है ना। चलिए सवाल नंबर 6 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है ना, छठे सवाल की हम बात करें ठीक है ना, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 7 लगातार संख्याएं बोला है, 4, 5, 6, 7 क्या बोला, लगातार, लगातार का मतलब है कि वो ये बोलना चाह रहा है कि भैया एपी सीरीज है, 7 लगातार यानी कि क्या है ये, एपी सीरीज है, आई बात समझ में ठीक है ना। इन 7 लगातार संख्याओं का एवरेज क्या बोला है, 20। अब पहले ही क्लियर कर दिया उसने कि जिन 7 संख्याओं पर सवाल बनाया है वे 7 संख्याएं लगातार है, मतलब वो कहना चाह रहा है 7 संख्याएं एपी सीरीज में, यदि ये 7 संख्याएं एपी सीरीज में हैं तो बताइए औसत बिल्कुल मध्य में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, यदि ये 7 एपी सीरीज में हैं तो बताइए एवरेज बिल्कुल मध्य में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो एवरेज कितना दिया है 20, तो बताइए वो बिल्कुल मध्य में आएगा कि नहीं आएगा। अरे एवरेज की कुर्सी बिल्कुल बीच वाली होती है, एपी सीरीज के दो तरीके एवरेज निकालने के, बीच में जो बैठा है वो एवरेज होता है, यदि ये एपी सीरीज है तो एपी सीरीज का औसत बीच में बैठा है, औसत 20 दिया तो 20 को बीच में बैठा दो, क्लियर। अब आगे द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, अच्छा लगातार 7 नंबर है तो आगे 21, 22, 23 हो जाएगा और पीछे 19, 18 और 17 हो जाएगा, तो लार्जेस्ट नंबर 23 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, तो इसका जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या जाएगा 23, आई बात समझ में क्लियर ठीक है। इस प्रकार के भी सवाल हैं इसमें है ना ठीक है ना। अब और सवाल यदि मैं आपको करवाऊं इसमें ठीक है,
15 नंबर के सवाल पर आ जाते हैं सीधे अभी हमें ना, सवाल नंबर 15 देखिए, आ जाते हैं 15 नंबर के सवाल पर, ठीक है। सवाल नंबर 15 देखिए क्या है कहानी, 15 नंबर के सवाल की मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सवाल नंबर 15 क्या है कहानी, 15 नंबर के सवाल की, पांच लगातार विषम संख्याओं का औसत k है। कितनी लगातार विषम संख्या? पांच। पांच लगातार विषम संख्या कुछ भी मान लो, 1, 3, 5, 7, 9 मान लेता हूँ, इसका जो औसत है वो k है। तो बताइए इसका औसत अभी 5 है कि नहीं है? अरे पांच लगातार विषम संख्या, एपी सीरीज, एपी सीरीज का एवरेज बीच का होता है, बताइए 5 इसका औसत है। इस 5 को इन्होंने क्या बोला है? k बोला है, ठीक है। हमने 1, 2, 3, 5, 7, 9 मान लिया, ठीक है। यदि अगले तीन विषम संख्या और मिला लें, अगले तीन विषम संख्या यानी कि 11, 13 और 15, है ना। अगले तीन विषम संख्या और लगा ले तो 11, 13 और 15, आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है ना। द न्यू एवरेज विल एक्सीड द ओल्ड एवरेज बाय, तो बताइए अब नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत बताओ 8 लोगे, इसका औसत 8 आएगा कि नहीं आएगा? नया औसत बोलो जरा, नया एवरेज जो है वो 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 8 लोग ही हैं, 4 इधर 4 इधर, तो इसका मध्य बिंदु 8 आएगा, या फिर पहला प्लस आखिरी जोड़ के आधा कर दो, पहला प्लस आखिरी जोड़ के आधा कर दो, तो भी एवरेज आपका बताइए 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो नया औसत तीन और विषम संख्या को मिला लेकर नया औसत 8 है। तो बताइए पुराने औसत से नया औसत कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, तो आंसर आएगा 3। ये पूछा है ना कि नया औसत पुराने औसत से कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के सवाल हैं आपके, है ना। तो बाकी के सारे सवाल आपको करने हैं, आई बात समझ में? ठीक है ना, समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, है ना। हाँ चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। टाइप 7 में तो कुछ खास है नहीं, सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना टाइप 7 के, है ना, ठीक है ना। चलो बाकी ध्यान रखना है, एपी सीरीज वाले सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। इतना आइडिया मैं दे पाऊंगा। टाइप 7 के तो क्वेश्चन सब नॉर्मल है, उसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। टाइप 7 आप लोग कर लेना, है ना, ठीक है, क्लियर। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ टाइप 8 के बारे में, है ना। टाइप 8 के कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए टाइप 8 पर आ जाता हूँ, ठीक है। टाइप 8 है ना, देख लेते हैं क्या है कहानी टाइप 8 की, है ना। टाइप 8, ठीक है। टाइप 8 में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7। क्या बोला है सातवें में? 8 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत आयु 26 था। 8 साल पहले, कितने साल पहले? 8 साल पहले, 8 साल पहले 5 सदस्यों के परिवार का औसत क्या था? 26। औसत 26 वर्ष था, ठीक है। यदि 8 साल पहले औसत 26 था, तो बताइए इन पांचों लोगों का आज में औसत, पांचों को ए बी सी डी ई मान लेता हूँ, ए बी सी डी ई, इन पांचों का आप बताइए, इन पांचों का आज में औसत 34 हो जाएगा क्या? बोलो जरा, औसत 26 था ना, तो 8 साल में 26 + 8 34 हो जाएगा। औसत 26 यानी कि पांचों में से 26 पर हेड, तो 26 + 8 26 + 8 26 + 8, तो 34 पर हेड हो जाएगा। नया औसत इन पांचों का आज में क्या हो जाएगा? 34। सबको आज में लाना होता है ना। 8 साल पहले का औसत 26 है, तो आज का औसत 34, ठीक है। दो बच्चों का जन्म हुआ, इसी अंतराल में दो बच्चों का जन्म हुआ, तो वर्तमान में दो बच्चे और आ गए, चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2, यानी कि वर्तमान में इस फैमिली में टोटल 7 लोग हो गए। दो बच्चों ने जन्म लिया इसी दरमियान, तो बताइए टोटल फैमिली में 5 और 2 7 लोग हो गए, है ना, ठीक है। द प्रेजेंट एज, एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे, आज भी वर्तमान का जो औसत है वो सेम है, यानी कि जो 26 है 26 का 26 ही औसत आज भी है। आई बात समझ में, है ना। तो आज भी औसत 26 का 26 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आज भी औसत क्या है? 26 का 26 है। आती है क्या बात समझ में? ऐसा ही बोला है उसने, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे, आज भी परिवार का औसत उतना ही है, 26 था 26 का 26 ही है, क्लियर। अब इसमें क्या निकालना है भैया? दोनों बच्चों की आयु निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा, दोनों बच्चों की आयु का अंतर 4 साल दिया है हमें, हमें दोनों बच्चों की क्या निकालनी है? आयु निकालनी है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हो, बैलेंस वाले मेथड भी आप लगा सकते हो या फिर बेसिक मेथड भी लगा सकते हो, है ना, ठीक है। देखो 26 एवरेज है 7 लोगों का, तो पूरे परिवार का टोटल 26 × 7 आ जाएगा, 7 × 6 = 42, 4 = 14, 182 आ जाएगा 7 लोगों का टोटल आयु, है ना। और 5 लोगों का एवरेज 34 34 34 34 34 5 बार 170 आ जाएगा,
तो 182 में से 170 गया, तो इन दोनों बच्चों के लिए 12 साल बचा क्या? अरे यार 26 एवरेज है ना सातों का, 26 × 7 टोटल पूरी फैमिली का 182, और इन पांचों का टोटल 34, 5 × 170, 182 में 170 गया, बताइए 12 बचा कि नहीं बचा? तो इन दोनों बच्चों की आयु बताइए 12 साल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आई बात समझ में? अब इन दोनों बच्चों की आयु अलग अलग करना है। कैसे अलग अलग करना है? कि भैया दोनों बच्चों की आयु का अंतर 4 साल है। यदि आयु का अंतर 4 साल है तो आप भी समझिए, एक की आयु 8 साल और एक की आयु 4 साल हो जाएगी क्या? 12 को ऐसे बांटो कि दोनों बच्चों की आयु का अंतर 4 साल होना चाहिए, दिया है, तो बताइए एक 8 साल का और एक 4 साल का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या फिर एक की आयु एक्स, तो एक की आयु एक्स प्लस 4 ऐसे करके कर लो आप, एक्स और एक्स प्लस 4 ले लो आप, है ना? तो 12 में से 4 गया, तो इन दोनों का मिला के 8 बचा, तो 8 में से 4 4 दोनों बांट लेंगे, तो बताइए एक 8 साल का एक 4 साल का, तो बड़े वाले बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? 8 साल। आई बात समझ में? क्लियर? या फिर बैलेंसिंग मेथड से भी आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं, है ना? ठीक है, बैलेंसिंग मेथड से, ठीक है, ऐसे ऐसे वाली मेथड से, है ना? चलो अभी सातवां सवाल था, सातवें के बाद आठवां भी इसी टाइप का है, जो आप खुद करेंगे, है ना, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब आप आ जाइए सवाल नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, इसी टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आ जाते हैं सवाल नंबर 2 पर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 इसका, चार लोगों की औसत आयु 40 है, ए बी सी डी, यदि चार लोगों का औसत 40 है तो योग 160 हो जाएगा क्या? 40 × 4, क्लियर? अब क्या हुआ, ई ज्वाइन द ग्रुप, ई ने ग्रुप ज्वाइन किया, ई ने ग्रुप ज्वाइन किया, और इस प्रकार औसत 1 से बढ़ गया, औसत 1 से बढ़ गया यानी कि नया औसत 41 हो गया, तो 41 × 5 है ना, तो बताइए 205 आ जाएगा क्या टोटल, है ना? नया औसत 1 से बढ़ गया, तो 41 × 5 205 आ जाएगा, 5 लोगों का टोटल, है ना? अब आप ही देखिए, 160 से 205 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 45 बढ़ रहा है। 45 बढ़ने की वजह ये ई है क्या? ये 4 4 तो सेम है, ई के बढ़ने से 45 बढ़ रहा है, यानी कि ई की आयु, पांचवें व्यक्ति की आयु 45 आ गई क्या? आता है क्या समझ में? क्लियर? तो पांचवें व्यक्ति की आयु क्या आ गई आपकी? 45, क्लियर? अब इसके बाद क्या बोला उसने, अनदर न्यू पर्सन एफ रिप्लेसेस ए, है ना? एक नया आदमी है एफ जो ए की जगह पर आ जाता है, बाकी ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, है ना? ए की जगह एफ आ जाता है, बाकी के लोग वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है? अब आगे क्या हुआ, और औसत 42 हो गया, यानी कि 42 × 5 यानी कि योग 210 हो गया क्या? औसत 42 हो गया, 210, क्लियर? अब आप देखिए यहाँ से, है ना, ठीक है, यदि हम यहाँ से देखें तो 205 से 210 5 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 5, ठीक है ना, 5 बढ़ रहा है, ठीक है? हमें बी सी डी एफ की औसत आयु निकालनी है, ठीक है ना, बी सी डी एफ की, ठीक है? अब ध्यान देना, हमें बी सी डी एफ की औसत आयु निकालनी है, ठीक है? अब अच्छा देखो, ई की आयु कितनी है? 45। बी सी डी एफ का औसत निकालना है ना, बी सी डी एफ का औसत, ई की आयु कितनी है? 45, जानते ना? तो 210 में से 45 गया, तो बताइए इसके लिए 165 बचा कि नहीं बचा? आई बात समझ में? क्लियर है ना? कितना बचा? 165, क्लियर? ठीक है, तो 165 में किससे भाग देंगे हम? 4 से। आई बात समझ में? 165 में किससे भाग देंगे हम? 4 से, क्लियर? इतनी बात, ठीक है, 4 से भाग देंगे, ठीक है, तो 41.25 आएगा आंसर इसका, क्लियर? तो इन चार लोगों का औसत कितना आ जाएगा? 41.25, है ना, यही आएगा ए वाला आंसर, ठीक है? चलिए अब इसमें आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं, मिटा दो इसको, है ना? चलिए आ जाते हैं सवाल नंबर 5 पर, देखिए क्या है कहानी पांचवें सवाल की, हम देख लेते हैं, है ना, ठीक है? पांचवा सवाल, एक मिनट रुकना, है ना? सवाल नंबर 5 है ना, ठीक है, 10 लोगों की औसत आयु 20 साल है भैया, ठीक है? अब उसमें क्या बोला है, 10 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 20 साल है, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 साल है,
परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु क्या है, 10 साल है, तब परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय ज्ञात करें, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, 10 लोग परिवार में, 10 लोग है, 10 लोगों की औसत आयु क्या है, 20 है ना, ठीक है, 10 लोग हैं, 1, 2, 3 डेज अप टू 9वां और 10वां, 10 लोगों की औसत आयु आज में क्या है भैया, 20 साल, क्लियर, ठीक है। ये सबसे छोटा है मान लेते हैं ना, 10 लोग हैं तो इनको ए बी सी डी से मान लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, आई बात समझ में, ई एफ जी, ये 10 लोग हैं, 10 लोगों की औसत आयु क्या है, 20 साल, 20 ईयर्स, ये इनका एवरेज है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, सबसे छोटे वाले की आयु 10 साल है, सबसे छोटा है जे मान लेते हैं, इस जे की आयु क्या है, 10 साल है ना। अब वो क्या पूछ रहा है, इसके जन्म के समय औसत आयु परिवार का क्या था, तो इसके जन्म के समय पे चले, अच्छा इसका जन्म का समय 10 साल पीछे आएगा क्या, यानी कि 10 साल पहले के परिवार का औसत मांग रहा है हमसे, है ना, इसके जन्म के समय, तो सबसे छोटे की आयु इसके अंदर क्या दे रखी, 10 साल, इसके जन्म के समय, तो इसके जन्म के समय ले चले क्या पूरे परिवार को, चलिए, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, आई बात समझ में, अब ध्यान देना यहाँ पर, हाँ अच्छा इसकी आयु तो यहाँ पे 0 हो गई जन्म के समय, जे की आयु क्या हो गई, 0, आई बात समझ में। अब आप ये देखो जरा, 10 लोगों को 10 साल पीछे ले जाओगे तो 10-10 आयु सभी की घटेगी, तो टोटल 100 आयु घट जाएगी, 20 × 10, बताइए यहाँ पे कुल आयु इनकी 200 है क्या, अरे 20-20 एवरेज, 10 लोगों का 200, जब आप 10 साल पीछे ले जाओगे 100 लोगों को तो 10-10 सबका घटेगा, यानी कि टोटल 100 घट जाएगा, तो बताइए यहाँ पे परिवार की आयु का योग 100 बचेगा कि नहीं बचेगा, आई बात समझ में, इन 10 लोगों का योग कितना है, 100 है कि नहीं है, आई बात समझ में, क्लियर है ना, 100, यहाँ का हमें परिवार का औसत निकालना है, तो ये 10 माइनस करोगे तो इसकी आयु तो 0 रह जाएगी, क्लियर, लेकिन सभी का योग क्या है, 100 साल, 100 घट जाएगा, क्लियर, परिवार का औसत जन्म के समय। अब जब आप जन्म के समय की बात करोगे तो परिवार का एवरेज जन्म के समय 100/10 कितना होगा, 10, जन्म के समय, जन्म के समय का मतलब है, जन्म का समय मतलब बच्चे का जन्म हो रहा है, मतलब बच्चे का अस्तित्व है, जन्म के समय मतलब, जन्म के समय मतलब बच्चे का अस्तित्व है, बट तुरंत जन्मा है तो आयु 0 है, इंसान है तो भैया यदि इंसान है तो इंसान तो गिना जाएगा, इंसान है सामने तो इंसान तो गिना जाएगा, बताइए सबसे छोटे बच्चे के जन्म के समय परिवार में 10 लोग गिने जाएंगे कि 9 लोग, सीधी सी बात है 10 लोग, क्योंकि बच्चे के जन्म के समय बच्चे का अस्तित्व है, तो 9 तो पहले से थे, 10वां बच्चा, तो परिवार में 10 लोग है कि नहीं है, आई बात समझ में, चाहे उसकी आयु 0 है, 100 के अंदर उसकी आयु 0 है, बट 10 लोग हैं तो परिवार के औसत में 100/10 से आएगा कि नहीं आएगा। और यदि जन्म के ठीक पहले की बात करें, जन्म के ठीक पहले, तुरंत पहले, तो जन्म के ठीक पहले इसी 100 में कितने लोग थे, 9, अरे इसी 100 में, जन्म के ठीक पहले भी आयु 0 है उसकी, जन्म के समय भी आयु 0 है, जन्म के ठीक पहले भी आयु 0 है, तो जन्म के ठीक पहले इंसान का अस्तित्व नहीं है, जन्म के ठीक पहले इंसान का अस्तित्व नहीं है, आई बात समझ में, लेकिन आयु का योग तो 100 ही रहेगा ना, क्योंकि 100 में भी इसकी आयु तो थी नहीं 0, वो 100 तो इन 9 लोगों की ही आयु थी, आई बात समझ में, क्लियर, तो जन्म के ठीक पहले उस 100 में भी प्रैक्टिकल, जन्म के ठीक पहले जन्म हुआ नहीं है बच्चे का, इंसान का अस्तित्व है नहीं, तो परिवार में 9 ही लोग हैं, तो 100 में कितने लोग हैं, 9, तो जन्म के ठीक पहले का औसत मान, जस्ट बिफोर द बर्थ, तो औसत क्या आएगा, 100/9 11 1/9, और जन्म के समय पर, तो जन्म के समय पर से मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ का मतलब है कि बच्चे का अस्तित्व है, आई बात समझ में, तो बच्चे का अस्तित्व काउंट करोगे तो परिवार में 10 लोग हैं, 100/10 कितना एवरेज आएगा, 10, ये 2 चीज़ें आई बात जो सीखने की है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, इंग्लिश में हमसे ये मांगा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ दैट बेबी, बेबी के बर्थ के ठीक पहले परिवार का औसत, तो ये आंसर आएगा। हिंदी में हमसे ये मांगा है, दोनों अलग अलग सवाल है, इंग्लिश में अलग हिंदी में अलग, हिंदी में जन्म के समय, यदि हिंदी में भी ऐसा बोला तो जन्म के ठीक पहले तो 11 1/9 हम आंसर लगाते हैं, बात, लेकिन जन्म के समय पर बोला हिंदी में तो फिर हम आंसर क्या लगाएंगे, 10, ऑप्शन को छोड़ो, मैंने जो बोला उसको सच मानो, आई बात समझ में, क्लियर है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, क्या है कहानी, क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। चलिए अब टाइप फर्स्ट बच रहा है, टाइप फर्स्ट के भी कुछ क्वेश्चन में करवा देता हूँ, देखिए एक और टाइप 9 है इसमें, है ना, एक और इसमें टाइप 9,
तो अब सुनना मेरी बात, टाइप नाइन में मैंने व्यापम के पूछे गए पुराने क्वेश्चंस दिए हैं। टाइप नाइन में सारे के सारे व्यापम के पुराने सवाल दिए हैं मैंने। आई बात समझ में? वो आपको खुद से करना है सारे, है ना, पुराने सवाल व्यापम के आए हुए एवरेज के, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैं आपको, है ना। टाइप फर्स्ट आ जाते हैं, टाइप फर्स्ट पर, है ना, एवरेज की समरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आ जाते हैं टाइप फर्स्ट पर। टाइप वन देखिए क्या है, टाइप फर्स्ट की कहानी हम देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट में है कुछ नहीं, वैसे बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन है। जैसे एक सबसे पहले मैं सवाल नंबर पाँच करवा देता हूँ टाइप फर्स्ट में आपको, है ना। बाकी टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो टाइप पढ़ाए इनसे हो जाएंगे, है ना। तीन क्लासेस हैं ABC, तीन क्लासेस में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 52, 78, 39, ये विद्यार्थियों की संख्या है ना। और इनका एवरेज क्या क्या है, इनका एवरेज दिया है 78, 85 और 83, 78, 85 और 83। आई बात समझ में? इनका औसत निकालना, मैं तीनों कक्षाओं का एक साथ। अच्छा, इसमें एक मेथड आपको मैंने सिखाई थी, इसको काट सकते हैं। 13 चौक 52, 13 6 78, 13 3 39, एज्यूम एवरेज, एज्यूम कर लेंगे एवरेज, ताकि जिससे हम कैलकुलेशन को कट कर सकें। अच्छा, 78, 85, 83 में से बीच का वैल्यू क्या है, 83 को एज्यूम कर ले, ये सबसे छोटा ये सबसे बड़ा, बीच का 83, बीच वाला वैल्यू लेते जल्दी आता है, बाकी कोई भी वैल्यू लेने से आंसर आ जाएगा, बताया था मैंने, है ना। तो 83 हमने इसमें से 83 काट के निकाल लिया, 83 गया तो 0 बचा, यहाँ 83 गया तो 2 रुपये बचे। अरे 83 से 2 ज़्यादा है, ये 83 से 5 कम है, ये 83 से 2 ज़्यादा है ना, और ये आपका 83 से 5 कम है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो 83 से 2 ज़्यादा है, 83 से 5 कम है, क्लियर। अब देखिए, अब हम औसत निकालेंगे, अब औसत निकालेंगे तो टोटल इंसान कितने, 13। अरे 4 + 6 + 3 13 इंसान है टोटल। अच्छा, 4 इंसानों का एवरेज -5 है, तो 4 × -5 करोगे तो बताइए -20 आएगा, 6 × 2 करोगे 12 आएगा, है ना, और इधर 3 × 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? -20 + 12 -8/13 आएगा, तो 83 - 8/13 कर लें तो आ जाएगा रिजल्ट, 83 - 8/13। अच्छा, ऑप्शन कैसे कैसे हैं देख लेते हैं। 83 - 8/13 करेंगे तो बताइए इसका रिजल्ट 82 × 5/13 आएगा क्या। क्लियर है ना? अब सुनिए मेरी बात, इसको गुणा मत करना, 83 को आप लिख लो, 82 + 1 वैसा का वैसा इसको सॉल्व कर लो आप, 13 × 13 = 13 - 8 = 5/13, तो बताइए 82 × 5/13 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात है ना? तो भैया ऐसे ही 5/13, ऐसे बहुत सारे मेथड है इसमें, ठीक है। टाइप फर्स्ट में और क्या क्वेश्चन करवाऊँ, सारे क्वेश्चन टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर में आ गए हैं टाइप फर्स्ट वाले। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। तो चलिए, यही हमारी एवरेज की समरी थी, क्लियर। लास्ट टाइप जो है टाइप नाइन, वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है। आई बात समझ में? क्लियर है, व्यापम में आए हुए सवाल है वो, ठीक है, क्लियर। चलिए, ओके, थैंक यू।